आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही खतरनाक न्यूज सामने आई है। व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर इवैक्यूएशन ड्रिल्स स्टार्ट कर दी हैं। आप समझ रहे हो, दुनिया पे परमाणु बम का खतरा बढ़ गया है। देखो, व्लादिमीर पुतिन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, यूक्रेन हार नहीं रहा है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लगे हुए हैं। अब यहां पे कुछ चीजें सामने आई हैं। अभी एक और न्यूज आई है कि रशिया ने बॉम्ब गिराया है, 400 रिफ्यूजीज मर गए, बंकर में छुपे थे, 400 रिफ्यूजीज का काम तमाम। वो रिफ्यूजीज थे, आम जनता थी। रशिया का यह कहना है कि हमने एक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है, फिर से दाग दी है, मतलब खतरनाक लेवल पे चीजें अब जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल हमले का बहुत बड़ा मतलब था। केमिकल बॉम्ब का भी प्रयोग कर सकता है रशिया, पीछे नहीं हटेगा, लेकिन न्यूक्लियर वॉर का भी खतरा अब मंडराने लगा है। पता है ऐसा क्यों? जब भी पावर एक सनकी के हाथ में आती है, दिक्कत होती है। व्लादिमीर पुतिन सनकी नहीं है, व्लादिमीर पुतिन बहुत ही बैलेंस्ड इंसान है। लेकिन मैं आपको इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, और एंजेला मर्कल, जो कि एक्स चांसलर रही है जर्मनी की, उनके मैं आपको कुछ स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। एंजेला मर्कल बताती हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो पागल नहीं है, वो आइसोलेटेड हो चुके हैं, वो बहुत ही ज्यादा अकेले, आइसोलेटेड और अजीब गरीब व्यवहार करते हैं। प्लस इमैनुअल मैक्रोन बताते हैं कि जैसे पहले थे व्लादिमीर पुतिन, वो वैसे नहीं रहे, वो ज्यादा रिजिड हो चुके हैं, मतलब अपने में ही अकेलापन बहुत ज्यादा है और अजीब तरीके से व्यवहार हो गया है। यहां तक कि दोस्तों ये बताया जाता है कि अब व्लादिमीर पुतिन जैसे पहले सबसे बात करते थे, वैसे बात ही नहीं करते। अपनी फैमिली तक से, ये बकायदा एडिटोरियल में एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि अपनी फैमिली तक से, इनफैक्ट अपने बच्चे बेटी बेटे तक से, जो कि भाई ओलंपिक में जाए मेडल लेके आए, गए थे मेडल लेके आए, उन तक से बात नहीं करते। और खबर ये आ रही है कि साइबेरिया में बंकर्स बने हुए, बंकर्स क्या, पूरी अंडरग्राउंड सिटी बनी हुई है, वहां पे इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को भेज दिया है, और जो खास लोग है ना, जो व्लादिमीर पुतिन के खास है, उनको भी वहां पे भेज दिया है। अब बात यह है कि सब कुछ वी हैव टू थिंक ऑन अ फंडामेंटल लेवल। CIA का यह कहना है कि इस समय रशिया जो है वो व्लादिमीर पुतिन चला रहे हैं, पुतिन के ऑर्डर पर सब हो रहा है, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। जब वॉर शुरू हुआ तो आपने स्पीच देखी थी उनके, वो जो डिफेंस सेक्रेटरी कौन थे, जो उनके इंटेलिजेंस को चलाते हैं, वो कांपने लगे थे। वो BBC पे अवेलेबल, आप देखिएगा, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि क्या आप वॉर के साथ है कि वॉर के खिलाफ, वो कांपने लगे, जवान लड़खड़ाने लगी। इस तरीके का डर है व्लादिमीर पुतिन का। और अब खबर ये आ रही है कि इवैक्यूएशन ड्रिल जो है, न्यूक्लियर इवैक्यूएशन ड्रिल शुरू हो गई, जो कि ठीक पहले की होती है, ठीक है, न्यूक्लियर हमले से पहले की, जो एक डेढ़ महीने जो प्रैक्टिस की जाती है ना, वो यही बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं न्यूक्लियर। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी लेक्चर बना दूंगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से पहले क्या क्या चीजें होती हैं, उनमें से एक ये पार्ट है। अब ऐसे ही तो करेंगे नहीं, कुछ तो प्लान्स होंगे ना। अब यूक्रेन ने बोल दिया है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, अब बातचीत करिए। यहां तक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो पे जाने का भी उन्होंने बोल दिया है कि भाई हम नेटो में नहीं जाएंगे, लेकिन स्टिल वो मदद ले रहे हैं। मुझे लगता है कि अब अगर ऐसा खतरा है तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को तुरंत हथियार डाल देने चाहिए, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो लेने के देने पड़ जाएंगे पूरी दुनिया को, ठीक है। और क्योंकि यहां पे एक इंसान फैसला ले रहा है, एक इंसान फैसला ले रहा है, तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। और ऐसे बयान आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में कि बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए हैं, किसी से बात नहीं करते, अपने फैमिली से बात नहीं करते, और एकदम अजीब गरीब बिहेवियर हो गया, रिजिड हो गए हैं ज्यादा, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है। किसी दिन सो के उठेंगे भाई, कुछ नहीं होगा, सो के पता चला कल उठे फटाक से बोला कि हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब दाग दो, तो सिचुएशन थोड़ी सी खराब होगी। हालांकि डरने की बात है नहीं, डरने की बात नहीं, क्योंकि रशिया का अभी भी अपर हैंड है और रशिया जो है वो तड़ातड़ बम गिराए जा रहा है। लेकिन वही बात है ना, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हार नहीं मान रहे, वो लड़ रहे हैं, उनको सप्लाई आ रही है। भाई एक महीना होने को आ रहा है वॉर शुरू हुए, दोस्तों अभी 4 दिन बाद एक महीना हो जाएगा, और अभी भी कोई खास ऐसा एडवांटेज नहीं मिला। 10,000 से ज्यादा सैनिक रशिया के मारे जा चुके हैं, और अभी जब इनकी लाशें आएंगी ना, तब पता चलेगा, तब रशिया में और ज्यादा गुस्सा होगा। व्लादिमीर पुतिन की भी सत्ता जो है वो हिलते हुए दिखाई दे रही है। अब ऐसे समय में एक इंसान कुछ भी कर सकता है, ईगो पे बात आ गई है ना, तो कुछ भी कर सकता है।
एक मैं कल वीडियो देख रहा था, बहुत वायरल हो रहा है वो, तो उसमें व्लादिमीर पुतिन जो है कुछ लोगों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो वैसे इग्नोर कर देते हैं। तो उसका कैप्शन था, डू नॉट इग्नोर अ मैन, अगर आप करोगे तो ऐसे ही फिर फल होगा। वो तो खैर मजाक में था, लेकिन वो जाते किम जोंग उन से हाथ मिलाने तो हाथ नहीं मिलाते हैं, फिर अमेरिका जाते हैं अमेरिका के सेक्रेटरी से हाथ मिलाने वो दो हाथ नहीं मिलाते हैं। ये मजाक था, लेकिन सच में मुझे लगता है कि ये उनकी असली अब व्यक्तित्व को दिखा रहा है कि शायद उनको लग रहा है कि भाई देखो बहुत अकेला हो चुका हूं, सबने साथ छोड़ दिया है, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब खतरे की घंटी वाकई में बज गई है, क्योंकि इवैक्यूएशन, न्यूक्लियर इवैक्यूएशन, ये ड्रिल का मतलब ऐसे ही कोई नहीं करेगा, कुछ तो गड़बड़ होने वाली। हाँ, इसका एक ये भी मतलब हो सकता है कि हो सकता है धमकाने के लिए किया हो, माइट बी पॉसिबल। कैसे होता नहीं कि धमकाने के लिए किया, डर जाओ हमसे इसलिए किया हो, रिपोर्ट्स लीक कर दी हो सकता है। लेकिन अपने परिवार वालों को दूसरी जगह भेजना, पूरी अंडरग्राउंड सिटी है, और जो ये डूम्सडे प्लान है ना, डूम्सडे प्लेन, ठीक है, जहां से न्यूक्लियर बॉम्ब बॉम्ब सब वो भी रेडी है इनके, तो अब देखेंगे दोस्तों फिलहाल क्या होता है। वैसे तो रशिया और यूक्रेन की अपडेट्स हम आपको बताते रहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने क्यों किया होगा। अब तो बातचीत उनको करनी पड़ेगी और मामला सुलटाना पड़ेगा। फिलहाल हमारी सेल का भी आज आखिरी दिन है, तो आप जरूर हमारे कोर्स को अवेल करें। होली 25 कूपन कोड आप यूज करिएगा, आपको 25% ऑफ मिलेगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।